जी, अखिलेश यादव 2022 में मध्य प्रदेश आए थे अगस्त के महीने में, जो जनसभा थी, जो कार्यक्रम था, उसमें आप भी सम्मिलित हुए थे। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने ये बात कही थी कि आप आमंत्रित हैं समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए, उस ऑफर पे क्या विचार है आपका? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया, भारतीय जनता पार्टी मेरा घर है, मैं मेरे परिवार में बहुत खुश हूँ और पार्टी ने भी मुझे जो दायित्व दिया है मैं उसका निर्वहन कर रहा हूँ। और एक कार्यकर्ता के रूप में भी भारतीय जनता पार्टी में काम करके मुझे बहुत सुकून है। मेरे परिवार की, मेरी जो विचारधारा थी, जिस परिवार में मुझे जो संस्कार मिले हैं, उन संस्कारों को देखते हुए मैं अपनी पार्टी में बहुत खुश हूँ। और मेरा जो उद्देश्य था वो मेरे उद्देश्य पूरे हो रहे हैं, मेरे क्षेत्र का विकास हो रहा है, मेरे क्षेत्र के एक एक गरीब की ज़िंदगी में खुशहाली आ रही है। मैंने करोड़ों लोगों को मेरे लोकसभा में, पूरे देश की जनता में जो खुशी है वो तो है ही, पर मेरा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं, जब देश हित में फैसले लिए जाते थे तो हर व्यक्ति के मन में टीस रहती थी कि आज मोदी जी ने ये फैसला लिया है राष्ट्रहित में, तो इसमें मेरी भी सहभागिता होनी चाहिए थी। और जब धारा 370 हटी या राम मंदिर बनने का मार्ग जब प्रशस्त हुआ, तो मेरे क्षेत्र के एक एक कार्यकर्ता को गर्व हुआ था कि आज हमारा वोट सही जगह गया, राष्ट्र हित में, देश हित में आज मेरा वोट सही जगह गया। तो मैं भी बहुत खुश हूँ भारतीय जनता पार्टी में, मेरे क्षेत्र के लोग भी बहुत खुश हैं, और मैं हमेशा प्रयास करूंगा कि एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए अपने क्षेत्र की, अपने प्रदेश की और अपने देश की सेवा में हमेशा करते रहूं।